सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज 9th क्लास में स्केल नंबर 14 की कागज पाठ हम करेंगे। इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर और हाइट है 75 सेंटीमीटर। इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने कागज को हाइट की तरफ रखा हुआ है। इसमें फुट्टा हम यूज करेंगे, ये 1.8 सेंटीमीटर जो आप देख रहे हैं। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, फिर भी जो नियम है वो ये है कि हमने पेपर को हाइट में रखना है, उसके बाद लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके हमने काटना है। तो लेंथ और ब्रेथ इसकी 60 और 45 होते 105, तो यहाँ से हमने 105 सेंटीमीटर काटना है। इसमें तो ये 96 है, 96 और 400 और 4 ये 2 है, 96 और 4 102 और 104 और 105, तो यहाँ पे 105 हम काट देंगे। और बची हुई शीट के हमने 3 भाग करने हैं, उसके लिए हमने यहाँ से एक न्यून कोण बनाना है जैसे हम बनाते हैं इस तरह से, और प्रकार से हमने इस पे 3 निशान लगाने हैं, प्रकार से या डिवाइडर से कैसे भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से 1, 2 और 3 इस तरह से। हम इसमें नाम भी लिख देते हैं, ये 0 पॉइंट हमारा है 1, 2 और 3। अब जो 3 है इसको हमने हमारी जो लास्ट लाइन है हाशिए वाली इसके साथ यहाँ मिला देना इस तरह से। इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 पॉइंट से, यहाँ से इस तरह से, और फिर हम रेखा लेंगे 1 से इस तरह से। आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इसको नाप भी सकते हैं यहाँ से भी, क्या हमारे भाग ये सही हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 बिल्कुल बराबर है। वो हमने क्या करना है, यहाँ से एक भाग जो है हमने छोड़ना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम काटेंगे इसमें प्रॉपर जो इसकी लेंथ है वो लेंगे, और लेंथ इसकी प्रॉपर है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने 60 सेंटीमीटर काटना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा है 60, ये 48 और 4 52 और 4 56 और 4 60, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक भाग हम और काटेंगे इसमें यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने काटनी इसकी ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ जो है वो है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये आप देखिए बिल्कुल 45 सेंटीमीटर पूरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए इस लाइन के साथ 45 सेंटीमीटर आ रहा है, एक भाग हमारा बच जाता है। इसी तरह से हमने नीचे भी इसमें एक भाग यहाँ से हमने काटना है, और फिर हम काटेंगे इसमें प्रॉपर इसकी लेंथ, इसकी प्रॉपर लेंथ है 60 सेंटीमीटर। फिर हम काटेंगे दूसरा भाग इस तरह से, फिर हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ, ब्रेथ हमारी है 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने यहाँ देख सकते हैं 45 सेंटीमीटर एक भाग हमारा बच जाएगा। आप नाप भी सकते हैं, देखिए बिल्कुल बराबर है, और नहीं तो वैसे भी बराबर बचता ही है। उसके बाद हमने लाइन लगानी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये हल्की लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे, बाद में लाइनें हमें मिटानी होती है इसलिए हम पहले ही हल्की लाइनें लगाते हैं इस तरह से। 4 लाइनें हमारी इसमें लगती है लेंथ की साइड, 4 ही लगती है हमारी हाइट की साइड, तो 4 लाइनें हमने लगा दी है। इसके बाद हमने हाइट और ब्रेथ को जोड़ना है, तो हाइट और ब्रेथ 45 और 75 हमारा होता है 120, तो यहाँ से हम देखेंगे 12 और 4 16 और 4 20, तो 120 सेंटीमीटर हम काट देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से न्यून कोण लेना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, और इसमें हमने 5 निशान लगाने हैं बराबर, क्योंकि जो बची हुई शीट हमारी है इसके हमने बराबर 5 भाग करने हैं, तो हमें यहाँ पे 5 निशान लगाने पड़ेंगे न्यून कोण के लिए। अपनी मर्जी से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 1, 2,
तीन चार पाँच इस तरह से, और जीरो एक दो तीन चार, ये जीरो एक दो तीन चार पाँच। अब पाँच को जो हमने है वो लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो इसी के समानांतर रेखा हम लेंगे चार से। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा चार है और ये तीन है, ये दो और एक, इस तरह से हम ये भाग काटेंगे। और हमने यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बराबर है, एक दो तीन चार पाँच बिल्कुल बराबर है। हमने यहाँ से दो भाग जितनी प्रकार खोलनी है, देख सकते हैं कोई सिर्फ दो भाग ले ले दो, अगर आपका काम सही है कोई सिर्फ दो भाग ले सकते हैं आप। और आपने ऊपर से यहाँ से हमने जो है वो दो भाग यहाँ पे काट देने इस तरह से। और अब हम काटेंगे इसमें इसकी प्रॉपर हाइट जो हमारी है, अभी तो हमने ब्रेथ और हाइट जोड़ के काटी थी, और हमने जो ना सिर्फ हाइट ही काटनी है जो प्रॉपर इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट है प्रॉपर हमारी 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने ये आपका 80 है, 80 में से 4 गए तो 76 घटा दिए हमने, 76 में से एक और घटा देना तो ये रह गया हमारा 75। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक भाग, अभी दो भाग काटे थे, पांच भाग किए थे हमने, तो दो भाग हमने छोड़ दिए थे, अब इसमें से एक भाग तीसरा जो भाग हमारा है वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे काट दिया है, ये छोड़ दिया हमने एक भाग। अब हमने क्या करना है, इसकी लेनी है ब्रेथ, और ब्रेथ इसकी है 45 सेंटीमीटर, तो हमें पता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल 45 सेंटीमीटर आ रहा है, और दो भाग हमारे पीछे बच जाते, तो पांच भाग हमारे पूरे हो गए इस तरह से, दो हमने ऊपर छोड़े, दो नीचे और एक बीच में। अब हमने जितने पहले यहाँ छोड़ा था ये दो भाग है, तो यही हमने जो है लेफ्ट साइड भी हमने यहाँ पर काटना है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी हाइट 75 सेंटीमीटर जो है वो हमने यहाँ पर काटनी है, तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर हम लेंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक भाग जो हमने यहाँ पे काट रखा है, कोई सा भी ले लो, आप कहीं से भी ले सकते हैं, देखिए बिल्कुल बराबर होता है। और यहाँ से हमने एक भाग छोड़ देना है। उसके बाद हम लेंगे इसमें इसकी जो ब्रेथ है वो है 45 सेंटीमीटर है, तो वो हमने यहाँ से पहले इसमें लेनी है, ये 45 सेंटीमीटर है, और दो भाग हमारे बच जाते हैं। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यदि आपका काम सही है तो लाइनें बिल्कुल सीधी आएगी और नाप भी बिल्कुल सीधे आएंगे। ये हमारी पहली लाइन है, तो ये हम यहाँ पे इसकी एलिवेशन और साइड बनाएंगे, तो हम इतनी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन लगाएंगे इसमें आगे को इसके नाप लिखने के लिए यहाँ पे, और ये जो लाइन है ये हमारी पूरी लंबी लाइन आएगी, एक्स वाई रेखा होती है, और यहाँ पे तीसरी जो लाइन हमारी आएगी वो हमारी बीच में आएगी यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन हमारी है चौथी लाइन है, ये हम सिर्फ यहाँ लगाएंगे, हल्की सी लाइन यहाँ भी हम लगा देते हैं इसमें, और यहाँ हम निशान इसमें लगाएंगे, और यहाँ से तिरछा इसको मिला देंगे, क्योंकि हमने ये लाइनें मिटानी है तो हम ये लाइन लगाएंगे नहीं पहले ही नहीं, क्योंकि बाद में भी तो मिटानी हमें होती है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे फालतू लाइनें हैं इनको मिटा देते हैं, जो लाइनें लाइट हमारी है उनको हम डार्क कर देते हैं इस तरह से, हम फालतू लाइनें इसमें से मिटा देंगे। यहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई लाइन लिखेंगे, और यहाँ पे हम इसमें लाइन लगा देते हैं, ये हमने यहाँ पे हाइट इसकी लिखनी है, यहाँ से हम लाइन लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी, इस तरह से हम इसकी हाइट लिख देते हैं। इसकी हाइट हमारी है 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी है 45 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ जो है वो है 60 सेंटीमीटर। अब
अब हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे एलिवेशन एलिवेशन यहाँ हम लिखेंगे साइट प्लान प्रोजेक्शन स्केल नंबर 1.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम फुट्टा बना देंगे। ये फुट्टा दो नंबर का होगा, कागज बांट भी आपकी दो नंबर की होगी। एक चार नंबर का आपका काम हो गया है, ये स्केल नंबर है 14 जिसके हमने कागज बांट की है। इसकी सॉल्व स्केल की वीडियो मैंने बना रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से लिंक देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।